पड़ेगा। महाराज ने बात मान ली, शनिदेव महाराज से मैंने कहा सबको ही दर्शन देना पड़ेगा जितने लोग एक दिन में आते हैं। बोला भाई हाँ दूंगा दूंगा दूंगा, क्यों नहीं, तेरा काम है बुलाना, मेरा काम है आना। और भगवान मंत्र शक्ति के बल पे खिंच के चले आते। अब मैंने भगवान से वादा ले लिया कि सबको दर्शन देना पड़ेगा। मैं यहाँ आ गया धाम में, लेकिन भगवान ने मेरे को कहा भाई तूने भक्तों को नहीं बताना है कि मैं आ जाऊंगा, मैं किसी भी पल आ सकता हूँ भाई, वादा तो वादा है, हमारी तरफ से भी वादा था। मैंने कहा नहीं बताऊंगा। आगे जी मैंने आंख बंद करके कीर्तन कराना चालू किया और मैंने कहा प्रभु आज अपना वादा निभा देना। बोला तैयार हूं, यस ठीक है, आई एम कमिंग, मैं आज आ रहा हूं शनिधाम में। शनिदेव महाराज ने कहा सबके बीच में उपस्थित होऊंगा, सबको दर्शन दे दूंगा। अब मैं आंख बंद करके भगवान का भजन करने लगा रहा, तुम्हें जल्दी थी, तुम जाते रहे जाते रहे जाते रहे, ठीक है। जब भगवान की बारी की आने की बारी होती तभी सारे चल देते, जब उसकी आने की बारी होती तभी सारे चल देते, ग्रुप बना बना के जाते रहे, तुम टिके ही नहीं। भगवान ने कहा मैं तो आते ही आज सबको ठीक कर देता, लेकिन तुम्हारे अंदर जल्दी इतनी होती है कि तुम ठहरे ही। मैं कहता हूँ रे रुक जाओ, तुम जल्दी जल्दी करते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ ये काम ऐसे नहीं होते, तुम फिर जल्दी करते हो। मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ कि ये काम ऐसे नहीं होते, मान जाओ ये प्रेत बात है मेरे भाइयों, ना तो ये एक दिन में आई है ना ये एक दिन में जाने वाली है, क्यों घिसट रहे हो खाम का, तुम जल्दी कर रहे हो, है कि नहीं। जो लोग कहते थे कि अगर मैंने तेरे बच्चे का शैतान निकाल दिया ये मर जाएगा, वो क्षणों में प्रेत निकालने लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने देख लिया ये तो लोग देने के लिए तैयार है कुछ भी, ये क्षण में ठीक होना चाहते हैं। इनसे इतना पैसा ले लो कि ये लोग तुम्हें लुटेरा और ठग समझ के फिर आ गई ना तुम्हारे पास, जो एक बार आ जाए वो दोबारा कदापि आए ही। कमाल है भाई तुम्हारा भी, मैं आंख बंद करके भजन करने पे लगा रहा और तुम जाते रहे, ठीक है। शाम को मैंने पूछा भगवान आए क्यों नहीं, बोला जब मैं आने की तैयारी करता था तभी सभी लोग तुम्हारे सामने से नदारद पाते थे, तुम अगला ग्रुप करते थे तैयार, इतने में भजन बनता था, रमता था, मेरे आने की तैयारी होती थी, मेरा वाहन तैयार होता था, इतने में गिद आया, इतने में नीचे पता चला कि मामला सुपरा साफ। तब माता जी भी चली गई, माता जी बोली बहुत देर होगी बहुत देर होगी, पोते को लेके जा रही हूँ, है कि नहीं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु तो किसी को तेरी दर्शन की आस है ही, तुम दर्शन करने तो कदापि आते ही नहीं हो, तो जब दर्शन करने आते नहीं हो तो भाई दर्शन मिलेगा काहे, ये तो बता दो। नहीं अब तो महाराज जी भी मुस्कुरा दिए, है कि नहीं, है कि नहीं, है। बोला महाराज आना पड़ेगा आज, भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। बोला जरूर आऊंगा महाराज। अब महाराज आंख बंद करके बैठे रहे, गाते रहे भगवान का नाम, ठीक। क्या अब शनिदेव महाराज आएंगे और बोलते रहे जय शनिदेवा जय शनिदेवा जय शनिदेवा। इतने जय शनिदेवा पूरा हुआ, सब पहले तो उसमें भाग भाग के लग लिए, फिर सब भाग लिए, पूरा होते कुछ ठहरते पूछते भाई कछु ना पूछा ना ठहरे, और तो फिर भाई भगवान के कहाँ लगेंगे पहरे, नहीं लगेंगे ना ऐसे, तो तुम्हें रुकना है ठहरना है, हृदय में भगवान का आगमन करना है, और जब देखोगे तभी ये समस्या जाएंगी, ये जड़ पदार्थ है, ये जड़े जमा चुके हैं, सुन लो मेरी बात। और जो सूक्ष्म हुआ वो जड़ के साथ मिलके ही सूक्ष्म है, तब जब वो आपके शरीर से बाहर रहता है तब उसकी अपने मायावी यानी कि जड़ शरीर की एक तरंग, एक सूक्ष्म तरंग के साथ वो जुड़ा रहता है, तब वो उसका स्वरूप धारण करता रहता है और उसका स्वरूप पूरा फैला हुआ दिखाई देता है, जैसे वो जीते जी था वैसा ही उसका स्वरूप फैला दिखाई देता है, लेकिन चूंकि वो आपके शरीर में घुस गया है तो फिर वो एक बिंदु के समान बिंदु होकर ही शरीर में जा पाता है, पहले भी और बाद में भी। जो सूक्ष्म शरीर है, जो पहले भी और बाद में भी, वो सूक्ष्म शरीर बिंदु के रूप में ही आता जाता है। खैर तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो ना तो किसी बिंदु से मतलब है ना उससे मतलब है, तुम्हें तो एक ही चीज दिखाई देती है, प्रेत प्रेत प्रेत, और मेरा पीछा छूटे और मैं अपने बच्चों के इसमें लगाऊं समय, क्या बोलते हैं उसको, ममोज में पीछा ममोज, ये वो, इस अंधकार युग ने सब खा लिया हमारा,
है जी, सब खा लिया। अरे तुम कितना ही कमा लो, तुमसे चिकित्सा वाले छीन लेंगे और शिक्षा वाले छीन लेंगे, तुम्हारे पास रहना कुछ नहीं, तुम वही है कि नहीं है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहना, लिख लो ये बात। या तो चिकित्सा वाले ले जाएंगे या शिक्षा वाले ले जाएंगे, भागते रहो, कहाँ तक भागोगे? तुम्हारी दौड़ 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 के जब थक जाओ, जब मेरे पास आ जाना, तब मैं आप देख लूँ, ठीक है? तब सब कुछ जोड़ लेंगे, तो जो नहीं जोड़ा है वो आगे के लिए जोड़ लेंगे। तो पितृ कौन कौन बनना चाहता है, हाथ उठाना जरा, मरने के बाद पितृ कौन कौन बनना चाहता है? एक ना उठा रहा, जैसे पितृ अभी सब पितरों को पूछ रहे हैं देवताओं की तरह, और एक आदमी हाथ नहीं उठा रहा, सारे पितरों को लो नहीं, सारे पितरों को पूछ रहे हैं और पितर बनना है, एक नहीं चाहता। पहले पितर लोग जाओगे, वहीं से तय होगा आपका मंगल, और सदविचार जान के कि आपको स्वर्ग लोक मिलेगा कि नरक लोक मिलेगा। अब नरक गामी होगे कि स्वर्ग गामी होगे? अब नरक गामी वो होगा जब मैं और मेरा में फंसा हुआ है, और स्वर्ग गामी कौन होगा? जिसको संसार के जनमानस की चिंता है, जो अपने नहीं शरीर के कल्याणों को चाहता है। शरीर का कल्याण दो तीन तरह का होता है, एक तो इसको सुविधाएं मिल जाए संसार में रह के, एक दूसरा जैसे नेता कोई सोच ले अगर वो अपना पूरा जीवन इसी में गुजार दे कि लोक कल्याण के लिए कुछ हो, लोक कल्याण के लिए कुछ हो। कोई कोई नेता ऐसा भी तो होता है ना जो सबका मंगल करने की सोचता है, हाथ से अमंगल हो जाए, लेकिन सोच तो मंगल ही रहा था ना, है ना, कि भाई यहाँ से रोड निकलवा दूँ, इतने लोगों का ये जीवन भला हो जाएगा, यहाँ पानी की व्यवस्था करवा दूँ, 500 परिवारों को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ बिजली दिलवा दूँ, तो वो पितृलोक में जाके स्वर्गामी होगा, और वो भी स्वर्गामी होगा पितृलोक में जाके जो आप सबको भगवान से जोड़ेगा, और वो ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है अगर उसमें फिर और मंगल की इच्छा है तो। लेकिन कहीं तो जाएगा ना, ऊपर ही जाएगा, नीचे तो रहेगा नहीं ना। तो बाकी जो पितृलोक में जाएंगे वे 30 वर्ष तक पितृलोक में रह सकते हैं, 30 से 33 वर्ष तक, उसके बाद वे वापस नीचे फेंक दिए जाएंगे। और एक बार सबको पितृलोक जाने ही जाना होता है आत्माओं को, चाहे उसको अगले दिन फेंक दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन जो प्रेत बनता है वो कदापि पितृलोकों तक नहीं पहुँच पाता, तो इसलिए जिसको हम पितृ समझे हैं भाई वो यहाँ नहीं है, वो तो ऊपर के लोकों में, तो जिसको यहाँ पूज रहे हैं और उसका आकार बना के अगर पूज रहे हैं, जैसे कोई पितर आपका चला गया, आपने उसकी तस्वीर बनवा ली, क्या बनवा ली? अगर तस्वीर नहीं बनवाई तो प्रेत पूजा, और तस्वीर बनवाई तो भूत भूत पूजा। हाँ, आजकल जितने बताने वाले हैं ना ये भूत पूजा कर रहे हैं, जितने लिख के बताने वाले हैं इनकी पूजा भूत पूजा है। इनको आप देखोगे, इनका कोई ना कोई गुरु था, वो मर गया और वो उससे उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें उन्होंने बना दिया है, वो भूत पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? अब तब भगवान कहते हैं कि जो भूत पूजा करता है, जो भूतों और प्रेतों को पूजता है, उसकी मैं बुद्धि को वहीं निश्चित कर देता हूँ, उसका निश्चय वहीं लगा देता हूँ, उसकी सारी श्रद्धा वहीं लगा देता हूँ, और तब वो वहीं से जुड़ के रह जाता है, तब वहीं से मैं उसको चमत्कार दिखला देता हूँ, तब उनके पास एक बल आ गया, एक चमत्कार आ गया, क्योंकि प्रेत तो जो था सूक्ष्म था, अब वो सूक्ष्मता में आपको सब कुछ बता रहा है आपके कान पे बैठ के, ठीक है ना। तब लोग तालियां पीट रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लोगों को मतलब नहीं है इसको क्या मिला है क्या नहीं मिला, कुछ ऊपर का मिला है कि नहीं मिला है, लोगों को तो एक मतलब है कि इसने हमारी दो बातें बता दी, बस ये संसार वहीं ढल जाता है जो आपके मन की कोई एक बात कर देता है। और मैं कह रहा हूँ जगह जगह बैठे हैं आपके मन की सौ सौ बात बताने वाले, कैसे भाई तू मेहनत तो बहुत करता है पर तुझे तेरा किया हुआ फल नहीं मिलता, आए ना समझ में? मैं यहां से शीतला माता पे गया, अब शीतला पे गया तो मैंने कहा चलो मैं भी तो मशानी के दर्शन करके आता हूँ, वहां तब वे सुअर के बच्चे घूमते देखे मैंने, तब मैं मशानी के दर्शन करने अंदर पहुंचा, और जब मैं दर्शन करने लग गया तो मैंने कुछ खुले पैसे, यूं कहूं कि 10,000 रुपये मैंने उसके सामने रख दिए माता के सामने, तब वो मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है, क्या कहते कि यूं कहूं भाई तुम मेहनत तो बहुत करते हो पर तुम्हारे सोचे हुए सारे काम तो पूरे होते ही नहीं है, 0.5% काम पूरे होते हैं और तुम दानी बहुत। तो मैंने कहा मारूंगा बहुत, चुप रहा, यही कहा मैंने उसको उसी समय कहा,
मैंने कहा मारूंगा बहुत, चुप रहे मेरे को मत बहका। ये वो वाली बात होती है कि भाई खुद तो आप उस पे बैठे हैं, क्या कहते हैं, पटरी पे बैठे हैं, और आप किसी का नाम लेके कह रहे हैं अरे मनोज कुमार ठीक है, अरे देख तेरा ग्रह बदल जाएगा, तू नीलम पहन ले, पुखराज पहन ले, तू पन्ना पहन ले और तू मूंगा पहन ले। तब मनोज कुमार जी कहते हैं तू तो मेरे को एक पहनाएगा, तेरे पास तो बहुत सारे हैं, जब तेरा इन सारों से उद्धार नहीं हो रहा, इन सारों को पहन के उद्धार नहीं हो रहा, इन सारों को रख के उद्धार नहीं हो रहा, मेरा एक को रख के एक को पहन के क्या उद्धार होगा भाई। नहीं तो ये वो वाली बात हो जाती है, आपके मन की बताने वाले बहुत है ठीक है, किसी बुढ़िया सी औरत को देख के कह दो भाई तेरा बेटा तेरी बात नहीं मानता, किसका बेटा मानता है ठीक है, वो कहते कि हाँ महाराज जी बात तो यही है ठीक है ना, अपने आप ही बता दे कि उसके पूछने से पहले कि छोटा तो फिर भी कुछ मान लेता है, बड़ा मानता नहीं। अब उसको ये पता चल गया आपके दो बच्चे हैं, बोले तेरे दो बच्चे हैं, हाँ ये नहीं जानेगी कि तूने ये बताया इसको, बोले हाँ जी दो बच्चे हैं, बोले छोटा तो खैर तुझे माँ मानता ही है, बोले हाँ अब ये नहीं पता उसको कि अभी तूने बताया था इसको कि छोटा कुछ कहना मान लेता है कि नहीं, भाई छोटा तुझमें श्रद्धा रखता है, वो तो उसकी पत्नी कहती तो बहुत है उसको कि भाई नहीं तू माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, पर उसके हृदय में तुम्हारी सेवा करने का बहुत ऊंचा भाव है, तब वो कहेगी हाँ कमी नहीं करती तो है। आ गए ना समझ में, मैं सब जानता हूँ, मैंने सारा यही रहस्य देखा है इस प्रकृति का, इस संसार का, इस जनमानस का। बोलो संचे दरबार आए ना समझ में।